13th डे के कलेक्शंस अपडेट के बारे में। जी हाँ, इंडिया में 4:30 बजे, 8:30 बजे, माफ कीजिए, सुबह के, और चाइना में 9, 10, 11, 11 बजते होंगे फिलहाल। और चलिए जान लेते हैं 11 बजे तक का क्या अपडेट है चाइना में बजरंगी भाईजान का। तो अगर मैं यहाँ पर ओपन किया हूँ antigroup.cn, यहाँ पर देख सकते बजरंगी भाईजान चौथे नंबर पर है। और एक चीज़ अगर आपने ध्यान दी होगी तो कल जो शोज़ थे उस शोज़ से इजाफा हुआ है, करीबन करीबन 1,500 शोज़ के आसपास आई थिंक बढ़े हैं। और यहाँ पर अगर टिकट प्राइस में देखें तो बहुत ज़्यादा इजाफा तो नहीं दिख रहा है, थोड़ा बहुत, जस्ट थोड़ा बहुत, यानी कि 0.04 या $0.03 का इजाफा हुआ है। यानी कि बहुत ज़्यादा बड़ी ग्रोथ नहीं है। डिडिक चाइना टाउन अभी भी पीछे है और ऑपरेशन रेड सी काफ़ी ऊपर है। इस बार मैंने ये देखा है कि ऑपरेशन रेड सी इतनी स्ट्रांग है कि उसे पीछे कर पाना मुश्किल है। लेकिन अगर यहाँ पर सबसे बुरी हालत किसी फिल्म की अगर दिख रही है टॉप थ्री में, तो वो मुझे ऐसा लग रहा है कि ब्लैक पैंथर की दिख रही है, क्योंकि अपने छठे दिन ही उसका कलेक्शन काफ़ी डाउन हो गया है। जो बहुत ही स्ट्रांगली आई थी, मार्केट में कब्जा करी थी और अच्छा खासा उसका सबसे ज़्यादा टिकट रेट उसी का है, लेकिन अब स्लो हो चुकी है। और ऐसे में बजेगी भाईजान स्टेबल बनी हुई है अपने 13वें दिन, तो ये एक अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पर अगर हमने एक को नजरअंदाज किया है जिसे इस साल बहुत बड़े बड़े अवार्ड मिले ऑस्कर्स में, 3 बिलबोर्ड्स आउटसाइड एबिंग मसूरी, बेस्ट एक्ट्रेस और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का भी अवार्ड मिला था इसी फिल्म को, तो एक बहुत बढ़िया फिल्म है। और इस ये फिल्म बहुत ज़्यादा शोज तो इसको स्टार्टिंग से ही नहीं मिले, लेकिन ये फिल्म फिर भी धीरे धीरे चल रही, तो हमें इस फिल्म की भी तारीफ करनी पड़ेगी 3 बिलबोर्ड्स आउटसाइड एबिंग मसूरी की। अगर आपने नहीं देखी तो मैं रिकमेंड करूँगा आप ये फिल्म ज़रूर ज़रूर देखें, आपको बहुत अच्छी लगेगी। और यहाँ पर देखा जाए बजरंगी भाईजान का अभी तक का कलेक्शन $0.21 मिलियन, तो कन्वर्ट कर लेते हैं 1.31 करोड़ तक का कलेक्शन आ रहा है। यानी कि कलेक्शन अपडेट करीबन करीबन कल जैसी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। देखते हैं क्या होता है। और आज भी स्टेबल कलेक्शंस आई थिंक होने के चांसेस है, क्योंकि अभी तक इसका टिकट सोल्ड आउट 43,467 ही हुआ है। देखते हैं दिन में क्या उलटफेर होता है, बट यही है कि कल जैसा स्टेबल कलेक्शन रहेगा। और मेरा प्रेडिक्शन 7 से 9 करोड़ है, आई होप इस बार मेरा प्रेडिक्शन सही हो। एनीवेज, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और ये था 11 बजे का अपडेट अपने 13वें दिन का बजरंगी भाईजान का चाइना में। चलिए फिलहाल इतना ही।